नमस्कार साथियों, आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मित्रों, फेस्टिव त्यौहार चल रहा है, दीपावली के बाद आज ये दूसरा दिन है जो कि हम भाईदूज का त्यौहार मना रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमने निश्चय किया है कि आज हम जाएंगे बाहर, कुछ ट्रेडिशनल भोजन करेंगे। कि वाराणसी में श्री शिवाय डाइनिंग रेस्टोरेंट है जहाँ पर ऑथेंटिक फूड मिलता है। इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे प्राप्त है मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, और चल के हम वहाँ पर देखेंगे किस तरह का वहाँ पर भोजन प्राप्त होता है, किस तरह का वहाँ पर एम्बियंस है। तो मित्रों, श्री शिवाय थाली में नो गार्लिक, लहसुन प्याज का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पर जो भी बर्तन प्रयोग किए जाते हैं वो तांबे के बर्तन या ब्रॉन्ज के बर्तन प्रयोग किए जाते हैं। और वहाँ पर स्टार्ट किया जाता है वेलकम ड्रिंक से, उसके बाद में कुछ फरसाण या स्नैक्स सर्व किया जाता है, और उसके बाद ट्रेडिशनल भोज के बाद डिज़र्ट वहाँ पर सर्व किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम निकलते हैं श्री शिवाय की तरफ और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का वहाँ पर भोजन प्राप्त होता है। वह एक थाली रेस्टोरेंट है। तो चलो प्रस्थान करते हैं श्री शिवाय डाइनिंग रेस्टोरेंट की ओर। तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं श्री शिवाय डाइनिंग रेस्टोरेंट, और चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं भोजन का। साथियों, देखो कांसे की थाली है, 3 ग्लास हैं, 1, 2, 3, और ये पूरा कांसे के बर्तन है। एक थाली है और कितनी कटोरी गिन के बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हैंड वॉश कराया जाता है रोज प्लेटर के साथ, और थोड़ा गर्म पानी बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस, ये सबसे पहले तो आपको हैंड वॉश कराया जाता है रोज़ वाटर के साथ में, और इसके बाद में हाथ से बहुत ही बढ़िया गुलाब की खुशबू भी आती है। तो गाइस, ये अभी चंदन शरबत सर्व किया गया है, छाछ अभी सर्व कर दिया गया है, चंदन शरबत सर्व किया गया है, और इसका टेस्ट मैं लेता हूँ। अति सुंदर, इसका जायका बहुत ही बढ़िया, चंदन जैसा टेस्ट है, हल्का सा ठंडा है, और बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है पीने के बाद। क्या सर करें, चटनी किसकी चटनी? कोकोनट चटनी, इमली चटनी, मीठी होगी। हाँ, लेमन पिकल है, फ्राइड चिली, कुकुम्बर है, खीरा है, ये कोकोनट लड्डू, अनार रायता, राइस खीर। फिर अनार रायता में क्या, अनार डाला हुआ क्या है? अनार डाला हुआ है सर, दही का बनता है। अच्छा, दही का है, रायता हो गया बेसिकली। अच्छा, सॉरी, रावा ढोकला एंड आलू बंडा, स्टीम स्टार्टर, फ्राई स्टार्टर। क्या है, पनीर मसाला, हाँ, पंजाबी छोले,
पंजाबी छोला, कोहड़ा भाजी, कोहड़ा भाजी, कोहड़ा पम्पकिन, आलू तवा। तो गाइस स्टार्टर में सांभर बड़ा है और मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। अच्छा टेस्ट है। पराठा जी, पूरी थोड़ी, दाल फ्राई है, कढ़ी है, बेसन कढ़ी, बेसन कढ़ी। तो फ्रेंड्स, से पूरा गर्मा गर्म भोजन यहाँ पर सर्व किया जाता है, पूरा फ्रेश आइटम बना करके कुछ भी नहीं रखा जाता। पर देखेंगे तो पूरा गर्म है, जैसे आप देख रहे होंगे दाल आई है या कढ़ी आई हो, बेसन कढ़ी, ये पनीर की सब्जी है। तवा रोटी है, जैगरी, जैगरी एंड घी, एंड घी। जीरा पुलाव, स्टीम राइस, स्टीम राइस और मूंग दाल खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी, मुझे मूंग दाल खिचड़ी दे दीजिए। तो बाउल में दे दीजिए और स्मॉल पोर्शन राइस प्लेन वाला बस। राइस भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट था और देखिए नो वेस्टेज ऑफ फूड, जैसा मैं हमेशा हमेशा इनकरेज करता हूँ कि खाने को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। और भोजन जो होता है वो ईश्वर के बराबर होता है, देवता के तुल्य हम मानते हैं, तो कभी भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए फूड का। गाइस भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट था और जितने भी आइटम्स थाली में सर्व किए थे बहुत ही उमदा टेस्ट सबका था, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी आए यहाँ पर और भोजन का स्वाद लें। मनीष जी हैं जिन्होंने हमको भोजन सर्व किया था, धन्यवाद आपका। तो गाइज अभी श्री शिवाय डाइनिंग रेस्टोरेंट के मैनेजर हमारे साथ में हैं और वो अभी आपके साथ कुछ जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ में। तो मनोज जी आपसे अनुरोध है कि नमस्कार जी, तो आपसे अनुरोध है कि कुछ अपने रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी दे दें। हमने भोजन किया, हमको बहुत ही अच्छा लगा और हम यहाँ पे रेगुलर आते रहते हैं, तो इस बार ये पहली बार था कि हमने कहा चलिए जब मैं रेगुलर आता हूँ तो यहाँ का भी एक ब्लॉग बना करके लोगों को बताया जाए। बट जितनी मुझे जानकारी थी मुझे तो यहाँ साझा की है, बट आप और जानकारी दे देंगे तो काफ़ी लोगों को सहूलियत हो जाएगी। जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा रेस्टोरेंट का उद्घाटन 4 नवंबर 2017 को हुआ था, जो कि बनारस में पहली बार हम लोगों ने थाली कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया और बिना लहसुन बिना प्याज का पूरी तरह एकदम सात्विक और साफ सुथरा भोजन। तो जो हम इस 4 साल से हम देते आ रहे हैं बनारस, और बनारस के लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, जो हमारे जो इंडियन क्लाइंट उनको भी पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। जो कि हम 28 तरह के व्यंजन सर्व करते हैं थाली में, जिसे में शरबत है, एक छाछ है, 2 तरह का स्टार्टर होता है, ठीक है, एक चाट की कटोरी होती है, 4 तरह का सब्जी होता है, ठीक है, 2 तरह की दाल होती है, 3 तरह की राइस होती है, ठीक है, रायता होता है, पापड़ होता है, रोस्टेड पापड़ जो होता है, ठीक है, पिकल है, चटनी है, 2 तरह का स्वीट है, ये सब हम अपनी थाली में सर्व करते हैं और जो कि एकदम साफ सुथरा और बिना लहसुन बिना प्याज का होता है। फिर ट्रेडिशनल भोजन हो गया, जैसे कि यदि मैं इसको बात करूँ कि पूरी मील को यदि हम बात करें कि एक वेलकम ड्रिंक्स हो गया जी, फिर आपने कुछ फरसान या स्नैक्स दे दिए और फिर एक ट्रेडिशनल जो थाली मेन कोर्स जिसको हम बोल जी, सकते जी, हैं जी, उसमें सारी चीज़ें हो गई, चटनी हो गई जी, और ये बिना लहसुन बिना प्याज का है जी, ये तो मुझे भी पता था,
बट फ्रेंड्स यहाँ पर जितना भी मैंने भोजन किया बिना लहसुन बिना आपको पता ही नहीं चलेगा। इनफैक्ट मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था, हम कई बार आ चुके हैं जैसा कि मैंने जिक्र किया, बट उनको ये बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। भोजन का स्वाद इतना टेस्टी होता है कि बिना लहसुन बिना प्याज के बनने बिना लहसुन और बिना प्याज के बाद भी भोजन इतना स्वादिष्ट बन सकता है, ये एक रेस्टोरेंट की विशेषता है। मनोज जी एक बात और मैं मुझे यहाँ पे जानकारी मिली है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है FSSI वहाँ से बेस्ट हाइजीन इसका भी आपको कुछ जी, जी, सम्मान मिला, मिला था वो लगा हुआ है हमारा 5 रेटिंग मिला हुआ है, एक्सेलेंट का अवार्ड मिला हुआ है हमें जो कि अच्छा दर्शित किया गया है वो। अच्छा जी, तो गाइज इनको सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कि बेस्ट हाइजीन मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, उस आधार पर इनको 5 रेटिंग मिली है जो सर्टिफिकेट में भी आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे आएँ, जो कि हमारा पता है सर शिवपुर सेंट्रल जेल के ठीक सामने है हमारा, सेंट्रल जेल के अपोजिट जी एकदम ठीक अपोजिट है, ठीक है शिवपुर सेंट्रल जेल के ठीक सामने हमारा है जी। तो गाइज इस रेस्टोरेंट का मैं गूगल मैप और एड्रेस भी पूरा डाल दूंगा और आप सबसे भी अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ और स्वाद लें भोजन का। आप वाराणसी आ रहे हैं और यहाँ का पारंपरिक भोजन या हमारा जो ट्रेडिशनल मील है वो आप खाना चाहते हैं तो केवल एकमात्र स्थान श्री सेवाए थाली डाइनिंग हॉल है जी। सो धन्यवाद मनोज जी आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए, थैंक यू, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। इसी आशा के साथ मित्रों आज का ब्लॉग हम समाप्त करते हैं कि आप सकुशल होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। यदि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय।